सो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर 25,000 रुपये तक का आपको लोन मिलने वाला है। और रिसेंटली आप लोगों को मैं यहाँ पर अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अप्लाई करके आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। एप्लीकेशन का नाम है बेटर प्लेस मनी और इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। NBFC RBI रजिस्टर्ड कंपनी है। 25,000 रुपये तक का आपको लोन मिलने वाला है यहाँ पर। अब इसमें इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ेगी या नहीं ये तो अभी भी नहीं बता सकता, लेकिन सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट जरूर है। अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। कुछ डिटेल हैं जैसे कि यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड, सिटी नेम, स्टेट, एड्रेस और यहाँ पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, वो भी वेरीफाइड, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कंप्लीट करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो सारी डिटेल हमने फिल कर दी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है भाई मिनिमम जो लोन है हम आप अप्लाई कर सकते हो 3,000 रुपये का, और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 25,000 रुपये का है। तो मैं करने वाला हूँ छोटा अप्लाई, बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि बड़े की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो एक लोन पर्पस हमें यहाँ पर चॉइस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 10 ओवर कितने महीने के लिए, मिनिमम 3 महीने के लिए मिलेगा यहाँ पर। और EMI शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो वीकली आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर मंथली भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP फिल किया जाएगा। ओके, सो हम एक मिनट गाइस OTP के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक बारी। एंड OTP आ चुका है, OTP हम यहाँ पे डाल देते हैं 4338892, ठीक है। अब यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए आपके सामने जो है अप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहे हैं और ये अल्टरनेट नंबर मांग रहे हैं और ये मेरा नंबर नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। दिस मोबाइल नंबर पर वाई डू यू नॉट मैच द वीरो रिपोर्ट। ओ आई सी, तो ये जो मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर से ही जो देखो स्टार्टिंग फॉर्म लिस्ट स्टेप पे क्लिक कर देते हैं। नहीं वे करेंगे इसको एक बार फिर से। ओ आई थिंक ना इसमें हमें चाहिए ही चाहिए, वरना अदरवाइज प्रॉब्लम यह है कि जो आपके पैन कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी पे OTP जाएगी, अदरवाइज OTP नहीं जाएगी। सो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। देखिए मैंने आपके सामने ही अप्लाई किया है, इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके इसके रिगार्डिंग पूरी हेल्प करने वाला हूँ। इसके लिए आप मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो।